सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, हम आ चुके हैं आपके लिए एक और नया फ्रेश एडिटिंग का वीडियो लेकर। सो गाइस, इस वीडियो में आपको सिखाने वाले कुछ स्टेप से अपनी पूरी फोटो को एडिट कैसे करें, ऐसे ब्लैक टोन बैकग्राउंड में फोटो एडिट कैसे करें, और कुछ तरीके से अपने फेस को स्मूथ कैसे करें, प्लस इस तरीके से अपने फेस को वाइट कैसे करें। आज के एडिटिंग में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो गाइस, वीडियो के लिए अभी से लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही बेल को दबा दीजिएगा जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस, हमारी पहले वाली फ़ोटो हम आपको दिखा देते हैं। तो गाइस, ये रही हमारी पहले वाली फ़ोटो, आप देख सकते हैं गाइस किस तरीके का हमारा पूरा फेस है और किस तरीके का पूरा बैकग्राउंड है। इसको हमने जब एडिट किया है तो गाइस हमारे सामने कुछ इस तरीके से एडिट होकर आई है। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारी फ़ोटो को लेकर हमें आ जाना होगा लाइट रूम मैप में। तो यहाँ वॉल फोटो पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से हमारी फ़ोटो को हम ओपन करेंगे, जो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ लाइट रूम में। आपने नहीं किया तो लाइट रूम में अपनी फ़ोटो को शेयर कर लीजिएगा। सो गाइस, लाइट रूम में आ जाने के बाद इस फोटो को हम एक प्रीसेट की मदद से एडिट करने वाले हैं। सो गाइस, ये रही वो प्रीसेट जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना गाइस। तो गाइस, इस प्रीसेट को यूज़ करने के लिए आपको ऊपर कॉर्नर में थ्री डॉट दिख रहा है, उस पर हमें क्लिक कर देना होगा, देन यहाँ कॉपी सेटिंग पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी गाइस यहाँ यस वाले मार्क पर क्लिक करेंगे, देन अभी हमें उसी फोटो में आ जाना है जिसको हमें एडिट करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर जो है पेस्ट सेटिंग कर देना है। ठीक है, तो गाइस पेस्ट सेटिंग कर देगी कुछ तरीके की आपकी पूरी फोटो जो एडिट हो जाएगी। तो अभी गाइस, इसकी स्क्रीन को हमें स्मूथ करना रह जाएगा, जो हम ऑटोडेस्क स्केचबुक में करेंगे। तो गाइस, यहाँ शेयर पर क्लिक करके इस फोटो को हम यहाँ से शेयर करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो गाइस, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिएगा। तो हमारी फ़ोटो जो है यहाँ ऑटोडेस्क स्केचबुक में शेयर हो चुकी है। तो गाइस, देख सकते हैं कैसे हमारी स्किन है, इसको हम स्मूथ करने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपल से यहाँ पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है गाइस, उस पर हमें क्लिक कर देना होगा। सो यहाँ पर क्लिक करके स्मूथ वाले सेक्शन में आकर ये वाला ब्रश हमें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है गाइस, इसकी सेटिंग को आप देख लीजिए। इसकी सेटिंग को गाइस फ्लू को हमें 1 रखना होगा, और स्ट्रेंथ है ना गाइस उसको करीबन हमें 15 तक कर देना है। ठीक है, 15 रखना है, और साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जितना चाहो उतनी आप अपने फेस के साइज़ के बराबर रखिएगा। और कुछ इस तरीके से हमारे फेस पर हमें इस ब्रश को जो है चला देना होगा, ऐसे गोल गोल आकर में हमारे फेस पर इस ब्रश को हमें चलाना होगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से हमारा फेस भी स्मूथ होने लगा है। तो गाइस, चलिए मैं जल्दी से पूरा फेस स्मूथ करके वीडियो को कट करके कर लेता हूँ, ताकि हमारा वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा ना हो। बाकी मैंने सारी स्मूथिंग इसी तरीके से की थी, यहीं ब्रश से और यहीं सेटिंग से सारी स्मूथिंग की थी। तो चलिए गाइस, मैं जल्दी से कट करके स्मूथिंग कर लेता हूँ। तो गाइस, कुछ इस तरीके से हमारी पूरी स्मूथिंग जो है होने वाली है, जो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिखता है हमारा फोटो स्मूथिंग हो जाने के बाद। अभी गाइस, हमें क्या करना होगा, हमारे हेयर पर जो है हमें कलर ऐड करना है, पिंक वाला कलर। सो उसके लिए गाइस यहाँ लेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, देन यहाँ प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके लेयर बना देना है। अभी गाइस, उस लेयर के ब्रांडिंग मोड को हम यहाँ से जो है सॉफ्ट लाइट कर देना है। ठीक है, फिर गाइस यहाँ पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक कर देना होगा, देन यहाँ पर हमें गाइस ए वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो अभी यहाँ कलर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से पिंक वाला कलर हमें कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो अभी गाइस इस ब्रश को जो है हमें हमारा हेयर पर चला देना होगा, जिससे हमारे हेयर पर बहुत ही अच्छी तरीके से कलर ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो गाइस, हेयर पर कलर तो ऐड हो चुका है लेकिन बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको हम यहाँ से कम करेंगे, लेयर में जाकर उसके ओपेसिटी को हम यहाँ से कम कर देना होगा कुछ तरीके से। सो गाइस, अभी हम क्या करेंगे, हमें हमारा लिप पर जो है कलर ऐड करना होगा, उसके लिए यहाँ आकर नया लेयर बना देना है, उसके भी ब्रांडिंग मोड को हम यहाँ से जो है सॉफ्ट लाइट कर देना होगा। तो गाइस, इतना कर देने के बाद सिंपल सा ब्रश को हमें कुछ नहीं करना है, और कलर भी यहीं रखना है, और इस वाले ब्रश को फिर से हमें हमारा लिप पर चला देना होगा। ठीक है, तो गाइस फाइनली हमारे लिप पर भी कलर ऐड हो चुका है लेकिन बहुत ही ज़्यादा है। सो गाइस, यहाँ लेयर पर चले जाना होगा, देन यहाँ से इसकी ओपेसिटी को हमें कम कर देना है। ठीक है, सो गाइस फाइनली हमारी एडिटिंग जो है ऑटोडेस्क स्केचबुक में ख़त्म हो चुकी है। अभी गाइस इस फोटो को हम शेयर करेंगे लाइट रूम में। तो यहाँ पर क्लिक करके शेयर पर क्लिक कर देना होगा, और अदर पर क्लिक करके इस फोटो को हम यहाँ से लाइट रूम में शेयर कर देना है। ठीक है, सो चलिए हम जल्दी से हम यहाँ से लाइट रूम में फोटो को शेयर कर लेते हैं। हमारा आखिरी स्टेप जो है लाइट रूम में फिर से होने वाला है। तो गाइस, हमारी फ़ोटो जो है लाइट रूम में शेयर हो चुकी है। अभी हम यहाँ से लाइट रूम ऐप को जो है ओपन करेंगे, देन हमारी फ़ोटो को हम यहाँ से ओपन कर लेना होगा। ठीक है, अभी गाइस हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ कलर वाला ऑप्शन पर हमें चला जाना होगा। ठीक है,
और यहाँ पर हम मिक्स पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ ऑरेंज वाला कलर पर हमें क्लिक कर देना होगा और इसकी सेचुरेशन को हमें माइनस में कर देना होगा, देन यहाँ से लुमिनेशन को जो है प्लस कर देना होगा। ठीक है, अभी कैसे यहाँ से हमें डन कर देना होगा, देन यहाँ इफेक्ट वाले टूल पर हमें क्लिक कर देना होगा और यहाँ पर ये तीसरे वाला ऑप्शन है उसको हमें बढ़ा लेना होगा, करीबन इतना कर देना है। ठीक है, क्लियरिटी को भी हल्का सा बढ़ाएंगे, देन यहाँ टेक्सचर को भी हल्का सा बढ़ा लेना है। ठीक है, सो गाइस आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारा पूरा फोटो जो है यहाँ पर एडिट हो चुका है। तो गाइस आई होप कि वीडियो जो आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगा, पसंद आए तो गाइस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दीजिएगा जिससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर ऐसी एडिटिंग के वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।